अध्याय तीन। इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीही यीशु का बंधुआ हूं, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात ये कि वो भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले संक्षेप में लिख चुका हूं, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं ममीह का वो भेद कहां तक समझता हूं, जो और समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है, अर्थात ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मीरास में सांझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं, और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीही के अगम में धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर ये बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है, जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीही यीशु में की थी, जिसमें हमको उस पर विश्वास रखने से हियाद और भरोसे से निकट आने का अधिकार है। इसलिए मैं विनती करता हूं कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं, उसके कारण हियाद ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीही तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है कलीसिया में और मसीह यीशु में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन।